भाइयों सब्सक्राइब कर दो आदित्य मोटोराइड चैनल को और दबा दो इस घंटे को, क्योंकि मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं होंडा की ड्रीम युगा का, जो सिर्फ 110 सीसी की बाइक है और काफ़ी नॉर्मल बाइक है और बहुत ही सिंपल लुक्स के साथ आती है। लेकिन ये सबसे अच्छी कम्यूटर सेगमेंट बाइक है, जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ने इसमें ग्राफिक्स की ज़्यादा स्टिकरिंग की गई है बाइक को एक स्टाइलिश लुक देने के लिए, और सीट की लंबाई भी थोड़ी बढ़ा दी गई है कंफर्टेबल राइड करने के लिए, और इसमें काफ़ी शाइनी पेंट जॉब किया गया है बाइक को और भी स्टाइलिश लुक देने के लिए। इसके कॉम्पिटिटर बाइक के बारे में बात किया जाए तो वो है हीरो स्प्लेंडर और TVS रेडियन। लेकिन इन तीनों बाइक में से जिस बाइक का लुक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो TVS रेडियन है, क्योंकि उसमें आपको फ्रंट में एक LED DRLs मिल जाते हैं, जिसके कारण बाइक काफ़ी स्पोर्टी दिखती है। लेकिन अगर पावर के बारे में बात किया जाए तो होंडा की ड्रीम युगा का पावर इन दोनों बाइक से सबसे ज़्यादा है। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो पीछे का लुक पुराने मॉडल की तरह सेम ही है। इसमें आपको वही सेम बल्ब टेल लाइट मिलती है, लेकिन हाँ, इंडिकेटर्स के डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं बाइक को सुंदर लुक देने के लिए। इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 109.19 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4-स्ट्रोक कार्बोरेटर ऐसा इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.24 bhp एट 7500 rpm की पावर और 8.63 Nm एट 5500 rpm का टॉर्क मिलता है। गियर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 4 गियर का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों, 110 cc और 100 cc की बाइक से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी 125 cc और 150 cc की बाइक में आप 5 गियर और 6 गियर का ऑप्शन पा लेते हो, क्योंकि वो एक स्पीड सेगमेंट की बाइक में आती है। लेकिन ये कम्यूटर सेगमेंट बाइक है, इसलिए इसमें आपको 4 स्पीड गियर का ऑप्शन मिलता है। फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको कॉर्नर्स पर ग्राफिक्स की स्टिकरिंग मिल जाती है और छोटा सा ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाता है कम्फर्टेबल राइड करने के लिए और एयर को पास करने के लिए, और इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है विथ बल्ब इंडिकेटर्स। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और इसमें आपको 80x100 का टायर साइज मिलता है विथ 18 inches व्हील्स, जो आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, और इसमें भी आपको सेम 80x100 का टायर साइज मिलता है विथ 18 inches व्हील्स, जो आपको ट्यूबलेस मिलते हैं, और दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सीट के बारे में बात किया जाए तो सीट में भी थोड़ा बहुत बदलाव किए गए हैं। सीट की लंबाई थोड़ी बढ़ा दी गई है, जिससे अगर आप 3 लोग बैठ के उसको राइड कर रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। इसकी कुशनिंग भी काफी अच्छी और काफी सॉफ्ट सीट है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों ही एनालॉग में मिलते हैं। इसमें स्पीडोमीटर ये बताता है आपकी बाइक किस स्पीड पर राइड कर रही है और कितने किलोमीटर राइड कर चुकी है, और ओडोमीटर में आपको सारे बेसिक से सिंबल्स मिल जाते हैं, जैसे न्यूट्रल सिंबल, लेफ्ट इंडिकेटर सिंबल, पास सिंबल, जो सारे बेसिक से इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं वो पूरा इसमें मिल जाता है। जिसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया वो काफ़ी अच्छा है, पास स्विच, लेफ्ट इंडिकेटर स्विच सारे अच्छी क्वालिटी के हैं, और हाँ, इसमें आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है और किक का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा बाइक हाइट से रिलेटेड। इस बाइक की जो हाइट है वो और दूसरी बाइक थोड़ी ज़्यादा है। इसमें आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, इसमें आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, जिसके कारण बाइक हाइट बढ़ जाती है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट या 6 फीट तक ही है तो ही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस बाइक को बाय करें और एक कंफर्टेबल राइड करें, और अगर आपकी हाइट 5.5 से इन सबसे कम है या 5 फीट से कम है तो आप इस बाइक को ना लें। आप इसको कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाओगे, आपसे बैलेंस नहीं होगी, आपके पाँव जमीन तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएंगे, और शायद आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और शायद आप गिर भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आपके अगर हाइट 5 फीट से ऊपर है तो ही आप इस बाइक को बाय करके कंफर्टेबल राइड करें। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।